बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल पार्ट वन की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मांड, सौर मंडल और उसका सौर परिवार की क्या सारणी थी, किसके कितने उपग्रह हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक का हिस्ट्री का पूरा पार्ट, सभी विषय अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ रख लीजिए ये लूसेंट बुक अपने हाथ में, अपने सामने लूसेंट का पहला जो ये जो भाग है आपका ज्योग्राफी में से, उस पेज को ओपन कर लीजिए और अपने हाथ में रखिए हाइलाइटर्स, कोई सा भी कलर का, येलो, पिंक, ग्रीन, कोई भी कलर का आपके पास में होगा तो वो अपने साथ में रखिए। अगर आपके पास कोई बुक ही नहीं है ये वाली और मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से, तो आप मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। अदरवाइज इस बुक का लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर तीनों चीज़ों में से कुछ भी आपने नहीं करना है, ना ही तो आपको बुक को उठाना है, ना ही आपने परचेस करना है, अगर आपको सिंपल अपने नोट्स खुद बनाने हैं तो कम से कम अपना एक रफ रजिस्टर, फेयर रजिस्टर जो भी हो उसको उठा लीजिए और अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा स्टडी को, सिलेक्शन तभी हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये जो पार्ट है हमारा भूगोल, भूगोल के बारे में काफ़ी बेसिक चीज़ें वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेकेटियस की। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबंध समावेश किया था। अब हम बात करते हैं भूगोल का जनक किसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपने कभी एग्जाम में देखा होगा या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करा होगा तब आपने देखा होगा, या फिर कोई भी एग्जाम आपने रियल एग्जाम दिया होगा जब आप बैठते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं अपने सभी वीडियो में केवल वही फैक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, ए टू जेड जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वही पॉइंट मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं इसमें, तो आप भी हाईलाइट्स करिएगा और इसको याद करिएगा। भूगोल का जनक बोलते हैं हेकेटियस को, और वर्तमान भूगोल का जनक किसको बोलते हैं आपके सामने का एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ बोलेगा वर्तमान भूगोल का जनक, तो आपको लगाना है वहाँ पे अपने राइट आंसर अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। और विश्व ग्लोब का निर्माता है आपका मार्टिन बेहम, और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनगेजी मेडर है। आगे हम बात करते हैं कि वाइडल डीला ब्लॉस और फैब्रिक कौन थे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, इस विचारधारा का समर्थक किसने करा था, इस विचारधारा का समर्थक करा था वाइडल डी ला ब्लॉस और फैब्रे, दो अलग अलग व्यक्ति थे, इन दोनों ने इस बात का समर्थक ये करा था कि पर्यावरण में परिवर्तन किया जा सकता है अगर इंसान के विल पावर काफी स्ट्रांग हो तब। दूसरी विचारधारा क्या थी इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं, पर्यावरण के बिना इंसान क्या है, बिल्कुल शून्य है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलवेत्ता रिटर, रेडजेल और एलन और सैम्पल और हेंटिगटन या हेंटिगटन। तो ये विचारधारा आपसे बस केवल जो ये नाम है आपका वाइडल डी ला ब्लॉस और फैब्रे, इसके बारे में कभी पूछ लेता है कि इनका संबंध किस विषय से है, किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना इनका संबंध क्या है, भूगोलवेत्ता हैं ये लोग, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये राजनेता हैं, भूगोलवेत्ता हैं या फिर कोई शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं या फिर भी अदर आपको कोई फील्ड दे देगा, तो आपको याद रखना है ये एक भूगोलवेत्ता थे। अब हम थोड़ी सी भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है आपका स्ट्रैबो, और इन्होंने क्या कहा था, भूगोल को किस तरह से इन्होंने डिफाइन करा था, एक्सप्लेनेशन उनका क्या था, डेफिनेशन उनकी नज़र में क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिए जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स में ये पूरा सेंटेंस दे देता है, इतना लंबा सेंटेंस आपको देगा एग्जाम में, वहाँ पूछेगा कि ये कथन किसका था,
तो ये कथन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों एवं भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल की डेफिनेशन ये थी। किसके मद्देनजर, किसकी नजरों में? ये था आपका स्ट्राबो का। अगला जो कथन है वो है फोर। फोर जो कथन है वो ये कहता है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान होता है। तो ये कहा था आपका आर्थर होम्स ने। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड से संबंधित एक नया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। इसमें हम कवर करेंगे कि पहला पॉइंट है हमारे सामने कि ब्रह्मांड की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है। अस्तित्व, मान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसके बाद महान विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका एब जॉर्ज लेमेंटेयर। एब जॉर्ज लेमेंटेयर। अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर थ्री, दोलन सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। एलन संडेजा ने। आगे के देखिए, बीच के पॉइंट ज़रा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को देख सकते हैं। हम केवल बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। ब्रह्मांड का व्यास कितना है बात करी जाए तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10^8 प्रकाश वर्ष। और ब्रह्मांड में अप्रोक्सीमेटली 100 अरब मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में, हर एक मंदाकिनी में कम से कम 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में कुल कितने तारे होते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो ये क्वेश्चन सबसे पूछेगा एग्जाम में। तो आपको याद रखना है 100 अरब तारे। और बात करें ब्रह्मांड के व्यास की तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10^8 प्रकाश वर्ष। उसके बाद हम करते हैं मंदाकिनी के बारे में, तारों आखिरकार मंदाकिनी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है? तो इसमें होता है कि तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज है और मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी कहलाती है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो होता है क्या होता है, स्पाइरल टाइप का होता है। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था तो ये देखा था गैलीलियो ने। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी कौन सी है, उसका नाम क्या? उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल। इंग्लिश में कहते हैं इसको सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित होता है। उस सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन आपको एग्जाम में देगा लेकिन यहाँ पे आपको राइट आंसर याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, सूर्य। आगे हम बात करते हैं प्लेनेमस। प्लेनेमस जो है सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है, एक ग्रुप है। जुड़वा पिंड है जो क्या है, सौर मंडल से बाहर रहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेनेमस। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम पेपर वन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं पेपर वन के लिए ये वर्ड काफी इम्पोर्टेंट है, प्लेनेमस। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य से संबंधित बाकी अन्य जो भी ग्रह हैं सौरमंडल के, जो भी परिवार के सदस्य हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं केवल केवल सूरज के बारे में कि सूर्य देवता से संबंधित क्या क्या बातें हैं। सूर्य जो होता है सौरमंडल का जो होता है प्रधान है और यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित होता है, ठीक है? अगर आप देखेंगे सौरमंडल के बारे में तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे होगा सूरज, उसके बाद में अन्य ग्रहों के बारे में आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके उसका सर्कुलेशन बनते रहता है। तो फिलहाल जो है सूर्य जो होता है सौरमंडल का क्या है, प्रधान है।
अब हम बढ़ते हैं आगे कि यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमण काल ठीक है 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर भी कहते हैं। कॉस्मोस ईयर्स मतलब 25 करोड़ वर्ष, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सूर्य क्या है एक्चुअली, सूर्य है कैसा। सूर्य एक्चुअली वास्तव में एक गैसीय गोला है, जिसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम होता है 26.5% और अन्य काफ़ी सारी गैसें होती हैं जिसको हम काउंट करते हैं 2.5% में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य एक गैसीय गोला है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन मैक्सिमम गैस कौन सी होती है इसमें। इसमें होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, कितना परसेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में बन सकता है क्या, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो ये है आपका 71%। आगे हम बात करते हैं सूर्य का केंद्रीय भाग जो है वो कोर कहलाता है, और जिसका तापीय जो है भाग 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो होता है वो होता है 6000 डिग्री। आगे हम बात करते हैं कि हैंस बेथ ने एक्चुअली क्या कहा। हैंस बेथ ने ये बताया कि सूर्य के केंद्र पर चार हाइड्रोजन नाभिक होते हैं, नाभिक से मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र में क्या होता है, नाभिक का संलयन होता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन रीजन होता है इसके केंद्र में नाभिक या संलयन का होना। इसके बाद इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप चाहें तो अपने एग्जाम के लिए इसके ये ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण क्या है ये आप पढ़ सकते हैं कि दृष्टिकोण किस तरह से अब हम सबका चेंज हो रहा है, उसके बारे में हम आप चाहें तो बुक में से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोना, मतलब सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सूर्य की उम्र कितनी है, बात करते हैं सूर्य की एज क्या है। सूर्य की जो एज होती है वो होती है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है, ये है आपका 110 गुना। कितना गुना, 110 गुना। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रह, ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और उसमें व्यापक गुरुत्वाकर्षण बल हो। कंडीशंस क्या होती है ग्रह की, परिक्रमा करना चाहिए ग्रह ने और उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, तब वो बनेगा, क्या बनेगा, ग्रह। ठीक है, उसके बाद वह गोल स्वरूप होना चाहिए उसका और उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की जो पिंड होते हैं उसकी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ये होती है ग्रह की विशेषता। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके आसपास छोटे छोटे पिंड काफी सारे दिखाई दिए, फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या जो पहले 9 थी उसमें से प्लूटो को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, अब रह गए केवल और केवल 8। यम को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बोने ग्रह मतलब छोटे ग्रह। ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड करा गया है। अब हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह मतलब कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, तो इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो अभी हम बात करते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या है, सदृश होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पति ग्रह कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट। अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस कभी कभी एसएससी एग्जाम में यहाँ पर आपको रीजनिंग में ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंतरिक ग्रह कौन सा है, आपको 3 ऑप्शन देगा, बृहस्पति मतलब कि आउटर जो ग्रह है, बाह्य जो ग्रह है 3 वो दे देगा और आपको देगा 1 आंतरिक ग्रह।
तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको आंतरिक ग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आंतरिक ग्रह हैं, मतलब कि इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं और आउटर कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में सीजीएल में एक दो बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। ऐसी कोई कॉपीराइट मतलब आपके पास नहीं कि मुझे याद नहीं करना, ये नहीं आएगा, तो ऐसा मत सोचना। कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, आपके तर्कस में, आपकी जो कमान होती है, आपके पास तीर होना चाहिए ऐसा कि आप सही निशाना लगा सकें। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे बुक को पढ़ना है, जो मैं अपने पिछले कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि कुल 8 ग्रहों में केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से मतलब कि बिना किसी स्पेक्स के, बिना किसी अदर टूल्स के सहायता से हम डायरेक्ट इन सब ग्रह को देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एसएससी एग्जाम में, ये क्वेश्चन जीएस में पूछता है कि किस ग्रह को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो आपके सामने 3 ऑप्शन देगा, राइट, जिसको हम देख सकते हैं। वहां पे पूछेगा नहीं देख सकते, तो नहीं में आपको नहीं का पे फोकस करना है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम क्या क्या है। आकार की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, सेकेंड नंबर पे आता है शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे जो छोटा ग्रह है वो कौन सा है, वो है आपका बुध ग्रह। याद रखिएगा बृहस्पति को पीला ग्रह भी बोलते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब बात करते हैं हम लोग की घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, शनि, यूरेनस। देखिए घनत्व के बारे में आपसे वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है आकार के बारे में, नंगी आंखों से कौन सा देखा जा सकता है, आउटर और इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं। तो आपसे आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे शुक्र और अरुण कौन से ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का जो रोटेशन जो होता है, जो परिक्रमण की दिशा क्या होती है, इन दोनों की एक ही है। आगे बात करते हैं बुध के बारे में। अब आप लिख लीजिए बुध के बारे में, जिसके पास बुक नहीं है अब तो कम से कम आप उठा लीजिए अपनी नोटबुक, फटाफट उठाइए, A4 पेज लेके आइए, पेन अपने पास 2 रखना, एक रेड और एक ब्लू। तो यहाँ पे आपको ये सब लाइनें नोट करनी है। लिखिए मरकरी, बुध। बुध क्या होता है, सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बस ये लिखिए नोट्स में। पूरी पूरी लाइन की आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जल में रखने पर क्या होगा, ये तैरने लगेगा ऐसा मानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है, और ऐसा माना जाता है कि यानी कि इसे अगर जल में रख दिया जाए तो ये ग्रह क्या होगा, जल में क्या करेगा, तैरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बुध के बारे में केवल केवल बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या होता है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, चमकीला है, सबसे गर्म है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, मतलब कि सांझ का तारा और भोर का तारा। तो यहाँ पे आपसे अब सांझ का तारा और भोर का तारा यूज ये वर्ड नहीं करेगा एग्जाम में, अब यूज करता है कि मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं। तो अब याद रखिएगा ये बोलते हैं शुक्र को। और उसके बाद मैंने हाईलाइट कर रखा है कि पृथ्वी का भागनी ग्रह है, भागनी बोलते हैं बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, शुक्र को बोलते हैं। तो भागनी ग्रह मतलब की बहन जो है पृथ्वी की कौन सी है, यह है शुक्र, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई, इसके पास कोई भी क्या है, इसका उपग्रह नहीं होता है। तो उपग्रह के बारे में किस किस का नहीं है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, आपने शायद सुना होगा पिछला वीडियो। तो अगर आपने नहीं सुना तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, एक तरीके से आप स्टडी करिए, वॉच को एक सही फ्लो में अगर आप देखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात करता हूँ बृहस्पति की, जुपिटर के बारे में। सबसे बड़ा ग्रह है, परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं, और इसका रंग कैसा है, पीला। बृहस्पति की लोग व्रत लेते हैं, फास्ट रखते हैं, तो बृहस्पति में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, और पीली चीजों को हम क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, ऐसे ही कुछ फास्ट वगैरह में कुछ रूल्स होते हैं। पीला रंग सीधे हमको याद आता है, इसका संबंध कौन से फास्ट से है, कौन से व्रत से है, तो ये है आपका बृहस्पति भगवान, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मार्स। मार्स का लाल रंग होता है, इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। इसका लाल रंग क्यों होता है, क्या रीजन होता है, तो उसमें होता है आयरन ऑक्साइड। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लाल ग्रह का लाल रंग किस रीजन से होता है, किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड। आई होप बच्चों आपको याद रहेगा ये चीज, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार हाईलाइट करा जाए एक्चुअली उतना कम है, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है, एक बार पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? 687 डेज। और इसके दो उपग्रह हैं, तो उसका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूछता है एमटीएस एग्जाम में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर किसी ने लूसेंट ढंग से पढ़ रखी है तो उसके लिए बेसिक है, जिसने जो बच्चे पहली बार इस बुक को उठा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जिसको अभी ज़्यादा समय ना हुआ हो, तो उसके लिए शायद ये क्वेश्चन अभी पहली मुलाकात हो। तो इस मुलाकात को हमेशा याद रखिएगा, मतलब फोबोस और डीमोस को आपने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं, देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? पालम किस में सी है, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है आपका निक्स ओलंपिया। बस इतना ही याद रखना है। और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं नासा का मार्स क्यूरियोसिटी, जो ये रोवर था इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ, छत्रकों और हिम शीतक जल की उपस्थिति की सूचना मिली है, इसलिए पृथ्वी के अलावा यह केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है, ऐसा माना जाता है। और इसी से संबंधित एक्चुअली अब तो काफी पोस्ट में एक्चुअली इंटरव्यू खत्म हो गया है, लेकिन कुछ इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते थे कि अगर एक तरफ हवा हो और एक तरफ पानी हो, आपको अपने जीवन के लिए केवल एक चीज का चुनाव करना हो तो आप किसका चुनाव करेंगे? लोग कहेंगे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। भाई मुझे हवा चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मैं कुछ दिन तो कम से कम जिंदा रहूंगा, बाकी जब पानी की प्यास लगेगी तब के तब देखी जाएगी। लेकिन अगर आप पानी मांगते हैं तो पानी में आपको ऑक्सीजन गिफ्ट में मिल जाता है। तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए जीवन की जो उत्पत्ति होती है वो वास्तव में पानी से ही हुई थी, समुद्र से ही हुई थी। नीला ग्रह कितना परसेंट पानी है भारत में? पूरे विश्व में अगर बात करी है तो पानी ही क्या है, कहना कि जीवन की शुरुआत है, तो पानी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो वो इस तरह से कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अब तो आपके सीजर के मैक्सिमम पोस्ट में इंटरव्यू खत्म हो गया, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं आगे इस पॉइंट की ओर कि 6 अगस्त 2012 को नासा का ये क्यूरियोसिटी रोवर लॉन्च हुआ था नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। क्या स्थान था? गेल क्रेटर, यह स्थान था यहाँ पर इनका रोवर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना एवं उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। जो ये क्यूरियोसिटी रोवर जो नासा के द्वारा जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, इसका मेन पर्पस है मंगल ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठी करना कि वहां पर जीवन कितना संभव है। अगर बर्फ है तो बर्फ का मतलब पानी है, पानी का मतलब जीवन है, जीवन का मतलब वहां पे भी अब रहा जा सकता है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण पीएसएलवी C25 से प्रक्षेपित करा। पीएसएलवी C25 आपको याद करना है, यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान था, अभियान था। यदि यह सफल हो सका तो इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। तो आप ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं शनि। यह आकार में बात करी जाए तो सेकंड नंबर का है, ठीक है। देखिए बृहस्पति पहले नंबर पे था आकार के आधार पर, उसके कितने उपग्रह थे इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद में आता है आपका शनि सेकंड नंबर में, कि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा जो उपग्रह होते हैं वो वैसे वास्तव में बृहस्पति के होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका शनि, लेकिन इसमें अभी फिलहाल हम इस पर फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस करेंगे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, उसका नाम क्या? उसका नाम है आपका टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन। और आकार में बुध के ये बराबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे यूरेनस के बारे में, अरुण के बारे में। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? इसमें पूरब की ओर होता है। किस ग्रह में सूर्य का उदय पश्चिम में होता है लेकिन अस्त कहाँ पे होता है? ये होता है पूरब में। आप सिंपल देखते हैं कि पूरब में सूर्य उगता है और कहाँ पे जाकर के अस्त होता है? पश्चिम में। तो यहाँ पे इसका उल्टा है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इतना लेटा हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका नाम है टाइटेनिया। तो इसके उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया, अरुण के और टाइटन। दोनों में फर्क रखना, शनि का है आपका टाइटन और अरुण का आपका है टाइटेनिया।
दोनों को आपस में मर्ज मत कर देना, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना विशेष का बच्चों। बात करते हैं वरुण की नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून को बोलते हैं हम लोग हरे रंग का ग्रह, और मिथेन गैस का इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बादल है। मिथेन का बादल इसके चारों ओर है, और इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल है। किस ग्रह में मिथेन का बादल है? चार ग्रह के नाम देगा तो आपको याद रखना है वरुण। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। यह आकार में क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर जीवन संभव है, और 23.5 डिग्री ये क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये पूरा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सौर वर्ष क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। बिल्कुल सही है। और सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा जब वो पूरी कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। कितने घंटे इंक्रीज होता है? ये होता है 6 घंटे इंक्रीज। फिलहाल हम सिंपल बात करेंगे, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? ये होता है 366 डेज का, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर क्या होते हैं, 29 डे होते हैं। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पहले से पता होगा शायद। आगे हम बात करते हैं कि जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी पर मैक्सिमम क्या है, जल है। अगर हम ऊपर से देखते हैं पृथ्वी को तो ये दिखाई देता है नीला, किस रीजन से, जल के कारण, इसलिए हम इसको बोलते हैं नीला ग्रह। आगे हम बात करते हैं सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह होता है पॉक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर भी होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो ये है आपका चंद्रमा, मून। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, वो है आपका चंद्रमा, साइरस या डॉग स्टार। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस पॉइंट के बारे में कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा भी है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस या डॉग स्टार। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है चंद्रमा का इसमें अध्ययन होता है। चंद्रमा की जो भी गतिविधियां होती है उसका अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है, तो वो करता है आपका सेलेनोलॉजी। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है वो होता है आपका लिबनीटस पर्वत, और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो वो है आपका चंद्रमा। सुपर मून के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी क्या होती है, आपस में आसपास बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, सुपर मून, और इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो ये परसेंटेज आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि सुपर मून किसे बोलते हैं, सुपर मून या फिर पेरिजी फुल मून। अब छोटा सा एक नोट है वो पढ़ लीजिए आप हो सके तो, कि चंद्रमा और एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 384,365 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ब्लू मून के बारे में कि दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। तो ब्लू मून कौन सी पूर्णिमा का चांद होता है, तो ये होता है दूसरी पूर्णिमा का चांद। और थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं आती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है।
ऐसा हर 2 दिन साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा देखे गए हैं, इनमें से 31 अगस्त 2012 के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उन्हें कहते हैं मून ईयर। और वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर होगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि अगला ब्लू मून ईयर कौन सा होगा, 2018, 2019, 2020, 2021। तो आपको याद रखना है 2018। कुछ एक्चुअली बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोग स्किप कर देते हैं स्पीड में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमको लगता है कि उस बुक में ये चीज़ नहीं थी, हम फिर अनाउंसमेंट कर देते हैं अपने मन में कि यार उस बुक में से कुछ नहीं आया। बुक एक्चुअली ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन इवन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए जीएस सेक्शन में। तो अभी हम बात करते हैं फिलहाल बोने ग्रह की, यम प्लूटो। इसकी खोज हुई थी 1930 में, किसने करी थी, क्लाड टोमवो ने की थी। ठीक है, तो किसने करी थी ये नाम आपको याद रखना है, और कब करी थी, ये करी थी 1930 में। और सेरस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। और लघु सौर मंडलीय पिंड कौन होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो आगे हम बात करते हैं धूमकेतु के बारे में कि हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है, और यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। और अगली बार ये कब दिखाई दिएगा, तो ये अगली बार जब दिखेगा ये दिखेगा हमको 2062 में। तो आप ध्यान रखना, 76 वर्ष बाद अंतिम बार 1986 में, अगली बार दिखाई देगा 2062 में। जो जो पॉइंट हाइलाइट्स कर रखे हैं आपको भी सेम एज इट इज अपनी बुक को इसी तरह से हाइलाइट्स करना है। अब बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर परिवार की सारणी के बारे में, किस किस में क्या क्या बताया गया है। देखिए ग्रहों के नाम बुध और शुक्र, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या ग्रह हैं, इनकी विशेषता क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक फैक्ट इससे संबंधित ये बनता है कि किन 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह की संख्या नहीं है, जिनके पास कोई भी क्या उपग्रह अपने नहीं है, तो वो है आपका बुध और शुक्र। सबसे ज़्यादा किसके हैं, बृहस्पति और शनि के। ये आप देख रहे हैं नीचे, बृहस्पति के 63 है और शनि के एक कम कर दो उसमें, मतलब 62 हो गए। क्योंकि आकार में क्या है, दोनों ही बड़े हैं। पहले पोजीशन में बृहस्पति साइज में बहुत बड़ा है, सेकंड नंबर पे शनि ग्रह हो गया, तो कॉमन सी बात है इसके उपग्रहों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है अगर ऑप्शंस में बृहस्पति नहीं देगा, ऑप्शंस में आपको दे दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि, तब क्या करोगे आप, आपने तो याद कर रखा है सिंपल बृहस्पति, लेकिन आपको फर्स्ट पोजीशन में कौन सा है ये भी याद रखना है, और सेकंड पे कौन सा है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस किसके नहीं है वो याद करने हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह की संख्या नहीं है, लेकिन बृहस्पति और शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति के हैं 63 और शनि के हैं 62। बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है। इस वीडियो में हमने काफी कुछ कवर करा, ब्रह्मांड, सौर मंडल और उसके सौर परिवार के बारे में हमने आज जाना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आपके कमेंट्स, आपकी राय जब आती है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो ये छोटा सा प्रयास है इस बुक को समाप्त करने का, उसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए कि आप भी इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, बुक को मार्केट से परचेज कर लें, मार्केट नियर में नहीं है तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, और बुक को हाईलाइट करने में आप कतराना मत। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि बुक को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, सिंपल उसमें हाईलाइट करो, पेन से करो, हाईलाइटर से करो, किसी से भी करो, बुक कभी भी गंदी नहीं होती है। ऐसे कुछ बच्चे देखने के लिए पेंसिल से हल्का हल्का निशान लगाते हैं, भाई हल्का निशान क्यों लगाना है, टारगेट क्या है, बुक को पढ़ना, तो टारगेट बुक को पढ़ना बनाओ और साथ में सिलेक्शन लेना बनाओ। ठीक है, बुक को पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आप नई नवेली बुक 36 ले आओगे, एक सैलरी आती है आपकी। ठीक है,
तो बुक से ज़्यादा प्यार मत करो, बुक का तरीका यही होता है पढ़ने का, हाईलाइट से इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है उनको हाईलाइट करो, उसका रिवीजन बुक में से करो। बुक नहीं है तो अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को भी हाईलाइट करना सीखो। तो इस वीडियो में बस, फिर मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को मैक्सिमम, जितने भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम शेयर करेंगे तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करके लोग शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो इस चैनल तक, यहीं तक समाप्त ना रहे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दूर दूर तक कई लोगों तक पहुँचे जो लोग बुक को परचेज नहीं कर पाते, पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं है उनके पास में, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उन सबकी मदद करिए। और इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।